अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे साथ एक सप्लाई कंपनी का आदमी है, काम करता है। तो सप्लाई कंपनी की गाड़ी है और छुट्टी जा रहा है वो आदमी। तो रात को सुनाइया में गया था ठीक करवाने गाड़ी, उसके लाइन को ना स्क्रैच पड़े थे। स्क्रैच कुछ गाड़ी खड़ी होती है, कोई स्क्रैच मार देता आते जाते। तो सारी बात है, 2 साल होते हैं गाड़ी चलाते चलाते, स्क्रैच तो पड़ते हैं रोड में चलाते हुए। तो वो कंपनी जो है ना, अगर स्क्रैच भी है ना आपके, तो फिर भी 1000-1200 अपनी मर्ज़ी से वो काटते हैं। रात को गया सुनाइया में, 400 रियाल लगा के, 400 रियाल, और 400 रियाल लगा के समझ लो कि उसका 1000-1200 बच गया। जब भी आप गाड़ी दें या लें, उसका वीडियो बनाएं पहले, जो ख़राब है पहले उसका मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और कोशिश करें जब आप गाड़ी लेते हैं तो पुरानी लें, जितनी पुरानी गाड़ी होगी स्क्रैच वाली होगी उसमें आपका फ़ायदा। अगर आप न्यू गाड़ी लेंगे उसमें स्क्रैच वगैरह पड़ेंगे तो फिर बाद में कंपनी पैसे काटती है। जो बड़ी कंपनी होती है वो तो नहीं पैसे काटती, वैसे कि ये सप्लाई कंपनी है ना, बहुत पैसे काटती हैं। और वो बेचारा अभी कह रहा था, यार मैंने 400 रियाल लगा दिए, कंपनी का काम किया है और पैसे खुद लगाने पड़े हैं। भाई जब आप छुट्टी जाते हैं या एक साइड जाते हैं तो तब कंपनी आपकी गाड़ी देखेगी, आपको अपने हिसाब से वो पैसे काटती है। इसलिए गाड़ी जब भी लें कोशिश करें पुरानी गाड़ी हो, स्क्रैच वाली हो, और न्यू मॉडल न्यू गाड़ी तो ना ही लें तो अच्छा है, 0 मीटर, क्योंकि आप वो लेंगे कल को उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ेंगे, फिर आपको ठीक करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो बड़ी कंपनी होती है वो स्क्रैच वगैरह तो नहीं देखती, वो खाली देखती है एक्सीडेंट। बाकी जो सप्लाई कंपनी है ये तो आपको पता है पैसे खाने के चक्कर में छोटी छोटी जो है ना वो गलतियाँ निकालती है। तो भाई सबको पता है जो सऊदी अरब में आते हैं सप्लाई कंपनी सप्लाई होती है और बड़ी कंपनी बड़ी होती है। पहले तो कोशिश करें डायरेक्ट शिरके में आए बड़े में, अगर नहीं मिलता तो फिर सप्लाई में आ जाए। बाकी क्या करना, फिर निज़ाम ऐसे ही चलता है भाई। तो मैं सोचा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको बताऊँ। जब आप छुट्टी जाएँ आप मेंटेनेंस करवा के देख जाएँ गाड़ी की खुद, अगर आपका 1000-1200 कटता है तो आप बाहर से 200-300 रियाल लगा के गाड़ी ठीक करवा के दें। अभी वो लड़के ने 400 रियाल लगाया, समझ लो उसको 600-700 रियाल की बचत होगी है। अगर वो नहीं लगाता है तो उसकी कंपनी 1100-1200 रुपया काट देना था। और कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, बाकी आप लोग समझ तो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है भाई किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत कहना ये भी ठीक नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा तो हमें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।